त्योहार के दौरान यदि चाहें तो एक सुरक्षा कर्मी भी रख सकते हैं, तो इस पे आप लोग विचार कर लीजिए। और पटाखे पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं, किसी तरह की अगर सूचना वगैरह मिलती है तो आप लोग हमें अवगत करा दें, कार्रवाई हो जाएगी। पटाखे पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं, ग्रीन क्रैकर ही नहीं पूरी तरीके से एनसीआर में बंद हैं। तो मैं दो तीन फोन मेरे पास भी आए थे, उन्होंने किया था। ये जो है उन जनपदों के लिए है जहाँ पे प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि ये बुलंदशहर एनसीआर में आता है। एनसीआर में पूरी तरीके से प्रतिबंध है हर तरह के पटाखे। तो ये देख लीजिए, इस तरह का कोई अगर अवैध करता हुआ पाया गया तो कार्रवाई। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ से। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको जोड़ने जा रहा हूं वो आने वाले दीपावली के पर्व को लेकर। मैं बताता चलूं, नगर के कस्बा चौकी पर एक शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि आने वाला दीपावली का पर्व हमें बड़े सौहार्द के साथ मनाना है। इसमें SDM नवीन कुमार, CO अनूप शहर पूर्णिमा सिंह, कोतवाली प्रभारी प्रेमचंद शर्मा व कस्बा चौकी इंचार्ज मोहसिन खान मौजूद है। उन्होंने बताया कि हमें आने वाले दीपावली पर्व पर बड़ा एहतियात बरतना, कहा कि दीपावली पर पटाखों पर पूर्णतः बैन है, कोई पटाखे नहीं बिक्री करेगा और ना ही गंदे पटाख जो कि दुकानों पर अवेलेबल होती है वो नहीं देगा। उन्होंने ये भी बताया कि जो पारली जलाई जा रही है किसानों द्वारा, आसपास जो खेतों में जलाई जा रही है, वो भी ऐसा ना करें जिससे कि हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तो चलिए मेरे साथ, और क्या कहना है उनका, उनसे ही रूबरू कराते हैं। चलिए मेरे साथ। मैम, जहांगीराबाद चौकी में अग्रिम त्योहारों को लेकर यहाँ शांति समीक्षा की मीटिंग का आयोजन किया गया है, मैम क्या दिशा निर्देश दिए? बातचीत की है कि एक तो सबसे पहले तो CCTV कम कैमरा एक्टिव रहने चाहिए, दूसरा एक टेम्पररी गार्ड अगर हो सके तो वो हो जाए, प्लस जो भी मतलब अगर कुछ सहायता की आवश्यकता है व्यापारियों को, वो उसके लिए हम हमेशा तत्पर और तैयार हैं। तो कभी भी हमसे आके संपर्क कर सकते हैं, हम उन्हें सहायता देने के लिए तैयार है। बाकी यहाँ पर बैरियर्स के थ्रू चेकिंग की जाएगी, सघनता से चेकिंग पुलिस करेगी, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। मार्केट में पैदल गश्त रेगुलरली की जाएगी, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। पटाखों को लेकर भी कुछ गाइडलाइन दी गई है? पटाखे देखिए, बिक्री करना या उसका भंडारण करना इलीगल है, तो वो उसकी सूचना के लिए बोला गया है कि कोई सूचना इस तरीके से आती है तो हमें बताया जा सकती है। गंधक पोटाश का भी नहीं होनी चाहिए बिक्री, परचून की दुकान पे बिक्री हो रही है तो ये बिल्कुल ज़्यादा क्वान्टिटी में और इस तरीके से बिक्री अलाउड नहीं है। शांति व्यवस्था के लिए दीपावली आने वाला है, उसके संबंध में संभ्रांत व्यक्ति और व्यापारियों की संयुक्त बैठक की गई। इसमें सभी लोगों को अवगत कराया कि पटाखे पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं, इनको ना जलाएं, अगर इस तरह का कोई कृत्य करता हुआ पाया गया तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और सभी लोगों को इस दीपावली की शुभकामनाओं सहित एक शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यवस्था बनाए रखते हुए दीपावली मनाए जाने के लिए सहयोग की अपेक्षा की। एक सर, पराली का भी अभी मैसेज दिया था आपने, पराली के संबंध में तो इस समय हम लोग देख रहे हैं 3 से 4 दिन हो गए हैं धूप नहीं दिख रही है, तो ये पूरी तरीके से पराली के लिए भी सभी लोगों से अपील की गई कि पूरी तरीके से पराली प्रतिबंधित है, कृपया करके इसको न जलाएं। ठीक है, धन्यवाद।